हाँ मोंटी बोल भाई, एक बात बताओ, म्यूजिक प्रोड्यूस करने के लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर कौन सा है? यार मैं तुझे कितनी बार बता चुका हूँ, सॉफ्टवेयर कोई भी यूज कर ले जो तेरे को समझ आता है, लेकिन स्किल पे काम कर। बात तो सही बोल रहा है, बिकॉज अगर तेरे पास स्किल है तो तू किसी भी सॉफ्टवेयर से आउटपुट निकाल लेगा। यार तू एक बात बताओ, अगर सारे सॉफ्टवेयर सेम है तो उनका प्राइस क्यों अलग होता है? Hey guys, I'm वासुदेव और आप देख रहे हैं मिक्स विद वासुदेव। तो अभी मैं मोदी जी की स्पीच देख रहा था जिसमें उन्होंने बोला था कि हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। काश मैं इतना आत्मनिर्भर होता कि मैं अपने बाल खुद काट पाता, लेकिन चलो कोई नहीं। तो आज का वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है क्योंकि लॉजिक प्रो का जो नया वर्जन है दैट इज टोटली अ गेम चेंजर। बिकॉज जो भी चीजें मुझे लगता था दूसरे डोज में बेटर है लॉजिक प्रो से, उन्होंने उससे भी बेटर चीज बना के दिखाई इसमें। तो अगर आप लोग लॉजिक को पहले से यूज कर रहे हैं तो इसकी फ्री अपडेट मिल जाएगी आप लोगों को, और इसका इवन 90 डेज का फ्री ट्रायल है जो कि आप लोग ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज इसमें और पुराने वर्जन में जमीन आसमान का फर्क है। अगर मैं आप लोगों को इन अ नटशेल बताऊं तो जो FL Studio का सीक्वेंसर था जो मेरे को बहुत पसंद था, इन्होंने उससे भी बहुत ज्यादा बेटर चीज इंट्रोड्यूस की अपने सीक्वेंसर में। इन एडिशन टू दिस Ableton का सैम्पलिंग जो था वो अभी तक का बेस्ट देखा था मैंने किसी भी डॉ में, और लॉजिक प्रो ने उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बिकॉज लॉजिक प्रो का जो नया सैम्पलर आया है दैट इज सो अमेजिंग, आप किसी भी चीज को सैम्पल कर सकते हो और उसके टूल्स की मदद से वो ऑटोमेटिकली आपके टाइम अलाइन कर देते हैं चीजों को। नॉट जस्ट दैट, सैम्पलिंग के जो फीचर्स इन्होंने दिए हैं वो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। एक और चीज मेरे को आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी, जैसे कि मेरी बॉन्टी के साथ बात हो रही थी कि हर सॉफ्टवेयर ऑलमोस्ट सेम ही होता है, सिर्फ वर्क फ्लो में डिफरेंस होता है। बट वर्क फ्लो या टेक्निकलिटीज की वजह से ऐसा नहीं है कि जो चीज आप लॉजिक में प्रोड्यूस कर सकते हो वो आप FL Studio में नहीं कर सकते। अब बात करें उन सबके रेट्स डिफरेंट क्यों होते हैं, तो आप लोग उसको फोन के एग्जाम्पल से देख सकते हो। Vivo, Oppo, Samsung ये सारे इन दी एंड ऑलमोस्ट सेम एंड प्रोडक्ट ही बनाते हैं, लेकिन इन सब की प्राइसेस में इतना डिफरेंस क्यों है? या अगर हम एंड्रॉइड और आईफोन्स को कंपेयर करें तो उनके प्राइसेस में इतना डिफरेंस क्यों है, जबकि ऐसा तो है नहीं एक्चुअल में कि आईफोन्स 10 गुना बेटर है एंड्रॉइड से, तो फिर प्राइस में इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों? तो देखो इस सब के पीछे सिंपल सा रीजन है एंड दैट इज ब्रांडिंग। तो जितनी अच्छी आप अपनी ब्रांड वैल्यू सेट करते हो, जितना अच्छा आप अपने ब्रांड को दिखाते हो, बिल्ड करते हो, उतना ही ज्यादा वो बिकता है। सिमिलरली जिन सॉफ्टवेयर के रेट बहुत ज्यादा है, या तो वो बहुत पुराने हैं या तो उन्होंने कम टाइम में कुछ बहुत ज्यादा बढ़िया बनाया, बहुत अच्छे फीचर्स दिए आपको। तो मेरा मेन पॉइंट ये सब डिस्कस करने का ये था कि इवन इफ अगर आप कोई और सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो तो भी आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल है, बिकॉज आप लोग बहुत सारी ऐसी चीजें देख सकते हो जो आई एम श्योर आपके भी सॉफ्टवेयर में होती होंगी लेकिन अभी तक आपने ट्राई नहीं किया होगा। तो चलते हैं वीडियो पे। आई रियली कांट वेट टू शो यू गाइस कि लॉजिक के नए वर्जन में क्या क्या फीचर्स आए हैं और सबको हम प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो न्यू प्रोजेक्ट के साथ साथ हमारे पास एक नया कॉलम आया जिसका नाम है स्टार्टर ग्रिड्स। तो ये जो है ये लॉजिक की बनी बनाई टेम्पलेट्स हैं, तो हम किसी भी एक बनी बनाई टेम्पलेट से डिस्कस करेंगे आज की चीजें। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लाइव लूप्स के बारे में, रीमिक्स इफेक्ट्स के बारे में, सैम्पलर के बारे में और कुछ नए इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जो लॉजिक में ऐड हुए हैं अभी। तो लेट्स से इसमें से कोई भी एक रैंडमली हम टेम्पलेट खोल लेते हैं। एलिवेटेड बीट्स, नियॉन ड्रीम्स, लेट्स गो विद हिप हॉप, चिल हिप हॉप मैशर, बिकॉज आई लाइक हिप हॉप। तो लेट्स सी इसमें क्या है। राइट, तो प्रोजेक्ट खुल चुका है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये जो कॉलम है आपका, इसको हम बोलते हैं लाइव लूप्स कॉलम। अब इसको लाइव लूप्स क्यों बोलते हैं, मैं जिस भी सैंपल पे क्लिक करूंगा मैं उसको रियल टाइम सुन सकता हूं। जैसे कि राइट, काफी बेसिक चीज है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। ट्रस्ट मी, इन्होंने नॉट जस्ट टेक्निकली अपने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड किया है बट विजुअली भी जीत लिया है। लेट मी टेक एन एग्जांपल फॉर यू। जैसे क्या होता है, मेरे वीडियोस रिलीज होते हैं तो मेरी मॉम जरूर मेरे वीडियोस देखती है, ऑल्दो उन्हें प्रोडक्शन के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो मेरे को बहुत ज्यादा सुनने को उनसे यही मिलता है कि ये देख ये चीज कितनी कलरफुल है, ये चीज इतनी अच्छी दिख रही है। तो व्हाट आई फील इज कि ये चीज भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली टेक्निकलिटीज ज्यादा जरूरी है क्योंकि इन दी एंड हम लोगों को ही सॉफ्टवेयर पे काम करना है, लेकिन अगर आप किसी को विजुअल ट्रीट भी दे सकते हो तो इट्स मोर लाइक सोने पे सुहागा। वो बोलते हैं ना कि एक अच्छा खाना जो होता है वो पहले आंखों से बिकता है, तो सबसे पहले आपको आंखों से बेचनी है अपनी चीज, उसके बाद उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि किसी के पास कोई रीजन ना हो ये बोलने का कि ये सिर्फ दिखावे के लिए डाला है इन्होंने। तो बातें तो होती रहेंगी, फटाफट आगे चलते हैं। तो बेसिकली ये है आपका लाइव लूप्स कॉलम, और जैसे मैं आपको मेन विंडो दिखा दूं तो मेन विंडो इस साइड आती है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो ये जो बटन्स हैं ऊपर, यहां से हम टॉगल कर सकते हैं आपका जो मेन इंटरफेस
स्पेस है उसमें और लाइव लूप्स में। जिन लोगों को टॉगल का मतलब नहीं पता, टॉगल को आप इस तरह से देख सकते हो, लाइव लूप्स मेन विंडो, लाइव लूप्स मेन विंडो, लाइव लूप्स मेन विंडो। राइट, तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे मस्त बात इस चीज की ये है कि आप यहाँ पे नॉट जस्ट रिकॉर्ड कर सकते हो अपने सैंपल्स, बट इवन आप एप्पल लूप से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये जो ऑडियो सैंपल्स हैं, हम इवन इनको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं और ये ऑटोमेटिकली टेम्पो एडजस्ट कर लेगा। अगर हम लॉजिक के बाहर भी बात करें, काफी सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होती थी कि अगर हम बाहर के सैंपल्स को लॉजिक में डालें तो क्या होगा, क्योंकि वो टेम्पो एडजस्ट नहीं करता ऑटोमेटिकली। लेकिन ये जो लाइव लूप्स का नया फीचर है, इसमें आप चाहे किसी भी टेम्पो किसी भी स्केल के सैंपल को इस सॉफ्टवेयर में डालो, ये अपने आप उसको क्वांटाइज कर लेगा, ये अपने आप उसको टेम्पो पे एडजस्ट कर देगा। तो अगर हम बात करें सीन्स की, तो जैसे कि आप लोग नीचे देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, तो ये सीन्स है, यानी कि ये कॉलम है जो कि आपको अरेंजमेंट में काफी हेल्प करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को चौथे सीन को सुनना है तो सिंपली मैं इस एरो पे क्लिक करूंगा और देखिए क्या होता है। इनको हम इवन अपने एरो कीज से भी मूव कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हो नीचे। इसके अलावा अगर आपने अपनी अरेंजमेंट यहाँ पे फाइनलाइज कर दी, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कोई पार्ट हटा देता हूँ या किसी भी पार्ट का एडिशन करता हूँ बीच में, और अब आपको इनको रिकॉर्ड करना है, तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको एनेबल परफॉर्मेंस रिकॉर्डिंग पे जाना है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और जैसे ही आप रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये उसको रिकॉर्ड करना शुरू कर देगा। और जैसे ही मैं इसको पॉज करूंगा, सारी ऑडियो फाइल्स बन चुकी हैं। आप यहां से एक्टिवेट कर सकते हो अपने ट्रैक्स को, और अगर डीएक्टिवेट करना चाहते हो, मान लो आपको अरेंजमेंट चेंज करनी है बाद में, तो इवन आप इस पे क्लिक करके अपने ट्रैक को डीएक्टिवेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, मैं इन 5 ट्रैक्स को सुनना चाहता हूं, तो मैंने इनको एनेबल किया और मैं इसको प्ले करूंगा। लेट्स रिमूव समथिंग। राइट, अमेजिंग। मतलब जितना ज्यादा मैं इसको यूज करता हूँ, उतना ही मन करता है और यूज करने का, बिकॉज ट्रस्ट मी, एक म्यूजिक प्रोड्यूसर के लिए ये स्वर्ग से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी फैसिलिटीज दी है इन्होंने, इतना ज्यादा यूजर फ्रेंडली बना दिया है इसको, क्योंकि ऑलरेडी इसका यूजर इंटरफेस बहुत आसान था लॉजिक का, इन्होंने उसको और ज्यादा आसान कर दिया, ताकि इवन इफ अगर आप बिगिनर हो या आपको बेसिक्स नहीं आते, फिर भी आपको इसको समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो चलते हैं अगली चीज पे। इसके लिए मैं अगेन लाइव लूप्स के कॉलम में आ जाऊंगा और हम बात करेंगे रीमिक्स इफेक्ट्स की। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, स्टीरियो आउट पे रीमिक्स इफेक्ट्स का बॉक्स डला हुआ है ऑलरेडी, प्लगइन डला हुआ है ऑलरेडी। रीमिक्स इफेक्ट्स क्या करता है, सिंपली जो भी आप डीजेस को देखते हो साउंड्स प्रोड्यूस करते हुए, वो ट्रांजिशंस प्रोड्यूस करते हैं बीच में, आप उनको रेप्लिकेट कर सकते हो इससे, और जो भी आप इसमें रियल टाइम चीज प्ले करोगे, ये एज एन ऑटोमेशन सेव हो जाएगी आपकी मास्टर चैनल पे। तो कुछ एग्जांपल के तौर पे इसको बना के देखते हैं। बेसिकली दिस इज योर हाई कट, तभी हमें लो सुनाई दे रहे हैं, और ये आ गया आपका लो कट। सिमिलरली तो शुक्र है मैं डीजे नहीं बना, वरना मैं बहुत ही बुरा डीजे बनता, आई एम श्योर। लेकिन आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों को ये चीज समझ आई होगी कि इसका मोटिव क्या है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग। नेक्स्ट थिंग है कुछ इंस्ट्रूमेंट जिनकी मैं बात करना चाहता हूँ लॉजिक के। तो उसके लिए मैं एक सॉफ्टवेयर इंस्ट्रूमेंट का ट्रैक बना दूंगा, और यहाँ पे डालते हैं एक ड्रम सिंथ, जो कि बहुत अमेजिंग ड्रम सिंथ डाला है इन लोगों ने। तो हम इसको ले लेंगे स्टीरियो में। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास किक का सैंपल है। Sound so good. ऐसे हमारे पास अलग अलग चीजें हैं, स्नेयर एंड क्लैप्स हैं, एंड डिफरेंट तरह के आप स्नेयर सिलेक्ट कर सकते हो। से percussion की बात करते हैं, दिस इज योर टॉम, एंड इवन cowbell साउंड भी आपके पास। तो हम एक काम करते हैं, किक के थ्रू समझते हैं कि इसमें हमें क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की हैं। इट ऑलरेडी साउंड सो गुड, एकदम 808 की तरह साउंड कर रहा है। तो यहां पे हम इसकी पिच भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 3 सेमीटोन्स बढ़ाया हमने, थोड़ी सी टोन को मॉड्यूलेट करते हैं, एंड इवन सैचुरेशन का नॉब है जिससे हम इसके अंदर और डिस्टॉर्शन डाल सकते हैं।
sounds like a dirty 808 जो एकदम dirty gritty 808 होता है उसकी तरह sound कर रहा है जो कि काफी मस्त है। इसकी shape change कर सकते हो, sweep change कर सकते हो, decay amount change कर सकते हो कि कितनी देर बाद ये खत्म हो रहा है। तो इससे मेरे दिमाग में एक और चीज आई क्योंकि काफी सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि 808s पे एक वीडियो बनाओ। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि 808s पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊं जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊं कि 808s क्या होते हैं और उनको कैसे यूज करते हैं बेसिक से एडवांस तरीके में और कैसे आपके हिप हॉप ट्रैक्स में जान डाल सकते हैं वो, तो नीचे जो भी आप लोग कमेंट करेंगे उसके आगे #808 जरूर लगाना। सिर्फ #808 मत लिखना वरना वो काफी ज्यादा स्पैम की तरह लगता है। तो जो भी आप लोग कमेंट लिखे उसके आगे #808 डाल दें। अगर काफी सारे लोग होंगे तो मैं उस पे भी एक वीडियो बनाऊंगा। तो इसी के साथ हम लोग चलते हैं अगले अमेजिंग इंस्ट्रूमेंट पे जो कि है सैंपलर। तो कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस है, काफी ज्यादा इन्होंने इंप्रूव कर दिया अपने इंटरफेस को। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हमें बता रहे हैं लोड रिकॉर्ड और ड्रैग एंड ऑडियो फाइल है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, ओरिजिनल या फिर ऑप्टिमाइज होता है, हमेशा ऑप्टिमाइज करेंगे बिकॉज उसमें क्या है हम इसको काफी मैनिपुलेट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। ऑप्टिमाइज पे जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया इट इज इम्पोर्टिंग द सैंपल और जैसे कि आप देख सकते हैं आपका सैंपल इम्पोर्ट हो चुका है। इनकेस अगर आपको लगता है आपने जो सैंपल इम्पोर्ट किया है वो आपके टेम्पो पे नहीं है, आप जैसे फ्लेक्स ऑप्शन को दबाएंगे ये ऑटोमेटिकली आपके टेम्पो पे एडजस्ट कर देगा और यहां से आप स्पीड डिसाइड कर सकते हो कि आपको उसको हाफ टाइम प्ले करना है या इवन आप उसकी स्पीड डबल या फोर टाइम्स कर सकते हो। तो थोड़ा सा हम लोग सैंपलिंग के बारे में बात करेंगे, आई गो टू स्लाइस। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो इसने ऑटोमेटिकली स्लाइस कर दिया हर चीज को नोट्स के बेसिस पे, तो मैं इनको इंडिविजुअली भी सुन सकता हूं। तो इसकी सेंसिटिविटी जो है वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो कि कितनी सेंसिटिविटी चाहते हो, कितनी आप चाहते हो फ्रीडम दो उसको कि वो लूजली नोट्स को पकड़े। जैसे कि तो हमें पता है यहाँ पे एक से ज्यादा नोट है इसीलिए हम इसकी सेंसिटिविटी को बढ़ा देंगे। अब जैसे कि आप लोग देख सकते हो नीचे LFOs, पिच फिल्टर्स और एम्पलीफायर, ये सब चीजें मैंने साउंड डिजाइन के वीडियो में डिस्कस किए हैं इसीलिए मैं इस वीडियो में नहीं दोबारा डिस्कस करूंगा। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद जरूर देखना साउंड डिजाइन का वीडियो, उसके अंदर मैंने इन डेप्थ बात की है इन चीजों की। इस प्लगइन की एक और बात जो मुझे बहुत क्रेजी लगती है, बहुत बढ़िया लगती है, वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हो यहाँ पे हमारे पास ऊपर ड्रम लूप है, अब इसके अंदर किक स्नेयर वगैरह सब कुछ है। अगर हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो देखो ये क्या करता है, ऑप्टिमाइज पे जैसे हमने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया इट विल टेक टाइम और जैसे कि आप लोग देख सकते हो इसने क्या किया, जो आपके इंडिविजुअल एलिमेंट्स थे किक स्नेयर हाई हैट उनको भी सेपरेट कर दिया सो दैट बाद में आप अपने मिडी से उनको प्ले कर पाओ, सैंपल कर पाओ। तो जैसे कि आप सुन सकते हो हर एलिमेंट अलग हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई भी बीट सुनते हो, कोई भी डब स्टेप का लूप है आपके पास और आपको उसका किक और स्नेयर पसंद आता है लेकिन आपको पैटर्न चेंज करना है, तो पहले हम लोग क्या करते थे, हम लोग चीजों को कट कर देते थे और कॉपी पेस्ट करके बनाते थे बीट को। अगर आप इस सैम्पलर का यूज करते हो तो ये ऑटोमेटिकली आपके लिए हर चीज को स्प्लिट कर देगा और बाद में आप उसको मिडी से ड्रॉ कर सकते हो। तो इसी के साथ नेक्स्ट अमेजिंग चीज पे चलते हैं जो कि है हमारा सीक्वेंसर। तो सीक्वेंसर के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक ड्रम किट सिलेक्ट कर लूंगा, इलेक्ट्रॉनिक ड्रम किट में से कोई भी एक ले लेते हैं, एटलांटा ले लेते हैं, मेरी फेवरेट है, और यहां पे मैं एक नया पैटर्न सेल क्रिएट करूंगा। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो जैसे ही मैंने डबल क्लिक किया उस पैटर्न सेल पे आपके पास नीचे एक पैटर्न खुल गया, एक नीचे बॉक्स खुल गया जो कि काफी हद तक FL Studio के सीक्वेंसर की तरह दिख रहा है लेकिन काफी मॉडर्नाइज कर दिया गया है इसको। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हम लोग प्रोग्राम कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट्स को जैसे कि सीक्वेंसर का काम होता है एंड यू कैन एक्चुअली कीप इट ऑन लूप और कुछ भी बना सकते हो। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे प्रीमेड सैंपल्स भी अवेलेबल होते हैं तो आप उनको भी यूज कर सकते हो। इन एडिशन टू दिस जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आपके पास वेलोसिटी का ऑप्शन है तो यहाँ से आप वेलोसिटी भी डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितनी वेलोसिटी रखनी है एलिमेंट्स की, एंड नॉट जस्ट वेलोसिटी आप और भी चीजों को चेंज कर सकते हो। तो अगर आप इन सब को और डेप्थ में समझना चाहते हो तो लॉजिक के ट्यूटोरियल्स हैं जो उन्होंने इसके साथ प्रोवाइड किए हैं। जैसे कि आप देख सकते हो मैं एक न्यू टेम्पलेट खोलता हूं और इस प्रोजेक्ट को बंद करता हूं, आई क्लिक ऑन डोंट सेव एंड इसी बॉक्स में आप लोग देख सकते हो कि स्टार्टर ग्रिड्स के नीचे ट्यूटोरियल्स भी है जहाँ पे लाइव लूप्स, क्विक सैम्पलर और स्टेप सीक्वेंसर के ट्यूटोरियल्स भी प्रोवाइड किए लॉजिक ने और वो बहुत ही इन डेप्थ, बहुत ही अमेजिंग ट्यूटोरियल्स हैं। तो अगर आप लोग लॉजिक यूज कर रहे हैं या इवन इफ अगर नहीं यूज कर रहे आप लोग उसका ट्रायल वर्जन डाउनलोड कर सकते हो और इन ट्यूटोरियल्स के थ्रू इन डेप्थ सीख सकते हो उन चीजों को। सो दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट गाइस, आई होप आप लोगों ने कुछ नया सीखा हो, आप लोगों को मजा आया हो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो उसको नीचे कमेंट कर दो और अगर आप चाहते हो कि मैं अपना अगला वीडियो किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे बनाऊं तो उसको भी लिख डालो। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, चीयर्स, ऑल द बेस्ट।
drip, 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 drip,